बायो रिएक्टर्स। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिसिएबली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमको ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब लार्ज स्केल पे, तो जिसके अंदर हम लैब के अंदर उसको इतना ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए बायो रिएक्टर होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम है 100 से लेकर 1000 लीटर तक हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा जो मटेरियल है। अब इतना ज़्यादा मटेरियल हम लैब में तो तैयार नहीं कर सकते, लैब में तो सारा केवल मिलीमीटर्स में ही चलता है। तो लीटर्स के अंदर हम बायो रिएक्टर्स में जो जीन ऑफ जो प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वो तैयार कर सकते हैं। तो बायो रिएक्टर क्या होते हैं, ये वेसल बर्तन होते हैं इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड। जो भी चीज़ हमने रॉ मटेरियल का मतलब जो भी एक कच्चा पदार्थ है वो इनके अंदर भर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और उसके बाद इनसे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं। बायोलॉजिकली का मतलब अलग अलग जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बदलते हैं यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल, मतलब इसी इनको बायोलॉजिकल कन्वर्टेड बोला गया है। प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, तो इनको हम वो सारी कंडीशन दे देते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना काम कर सकें, मतलब जो हमारा अलग अलग टाइप के जो प्लांट सेल वगैरह माइक्रोबियल प्लांट हैं, तो जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम करने के लिए जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखा जाता है, पीएच है जो एसिड बेस कंडीशन है वो नॉर्मल रखी जाती है, सबस्ट्रेट है मतलब जिसको जैसे रॉ मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, साल्ट है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम तैयार कर सकें। स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर, तो ये भी एक बायो रिएक्टर का ही टाइप है जिसके अंदर क्या है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है ये, और विद कवर्ड बेस, कवर्ड का मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो चपटा नहीं होता, वो उसके कवर बना होता है नीचे से, मतलब वो एक चाप टाइप में होता है, आर्क टाइप में होता है नीचे से, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, जिससे कि जो मिक्सिंग है जितना भी रिएक्टर का कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सके। स्टीयर फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। जो स्टीयर हैं, जो पंखे लगे होते हैं जो लगातार इसको घुमाते रहते हैं मटेरियल को, उससे जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी अच्छे ढंग से इसके अंदर घुलती रहती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो हमारे एंजाइम है जो बिल्कुल फास्ट ढंग से काम कर सकते हैं। एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर्स, तो एयर को भी नीचे एयर पंप लगे होते हैं जो कि एयर उसमें से बबल के थ्रू पास करते रहते हैं। हैज एन एग्रीटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, तो इनके पास एग्रीटेटर का मतलब जो उसको लगातार हिलाते रहता है, उसमें मतलब अलग अलग मटेरियल उसको मिलाते रहता है, एंड एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब उसमें ऑक्सीजन जो अलग अलग जो पंप वगैरह होते हैं गैसेज पंप उनके द्वारा भेजी जाती है। एक फोम कंट्रोलर सिस्टम होता है जो जाग बनता है जब ये पंखे घूमते हैं, तो जो जाग बनता है उसको भी कंट्रोल करने वाला सिस्टम होना चाहिए, फोम ब्रेकर भी लगे होने चाहिए ऊपर जो फोम को हटाते रहें। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर को कंट्रोल करता हो करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने ना दे क्योंकि जैसे प्रोसेस चलेगी टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पीएच कंट्रोल सिस्टम जो एसिडिक बेसिक कंडीशन को कंट्रोल करके रखता है वो भी लगा होता है। सैम्पलिंग पोर्ट भी लगे होते हैं, कुछ खाने लगे होते हैं जिसमें से हम सैंपल को बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मनचाया बन रहा है। पीरियडिकली का मतलब है टाइम टू टाइम हम जो अलग अलग जो सैंपल है उसको निकाल के चेक करते हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे प्रोसेस है मान लो वो 2 घंटे 4 घंटे ले रही है, तो उसमें हम बीच बीच में कुछ मिनटों के फर्क में 15 मिनट 20 मिनट के बीच बीच में हम क्या करते हैं, सैंपल को बार बार निकाल के चेक करते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो सही ढंग से तैयार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बायो रिएक्टर्स की हम पिक देखते हैं, डायग्राम है पहले, फिर रियल पिक भी देखेंगे। तो इसमें है अलग अलग जो कंपोनेंट है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्रीटेटर सिस्टम होता है जो कि ये पंखे जो ब्लेड लगे होते हैं इनको घुमाने का काम करता है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे ढंग से मिक्स होता रहे। एक फीडिंग पंप होता है, फीडिंग में हम रॉ मटेरियल है वो ऊपर से डालते हैं और जो यूज्ड मटेरियल होता है उसको एक जगह से निकाल लिया जाता है, एक साइड से एयर है उसको पास किया जाता है बबल्स के फॉर्म में। सबमर्ज्ड एरिएटर, एरिएटर क्या होते हैं, पंप होते हैं जो कि बबल्स की फॉर्म में एयर को पास करते रहते हैं। रिएक्टर टैंक मतलब यही वो टैंक है जिसमें रिएक्शन वगैरह है, जितने भी अलग अलग जो रिएक्शंस हैं जो स्टेप्स हैं आरडीडी के वो यहाँ पे होंगे। एक थर्मल जैकेट होती है जो कि टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देती, और सेंसर लगे होते हैं, सेंसर प्रोब्स को जो कि अलग अलग टाइम के मतलब जो पीएच वगैरह है प्रेशर वगैरह है उनको सेंस करते हैं। और सिस्टम मॉनिटर, तो अलग अलग एक जो एक मीटर वाला जो पोर्शन होता है
वहाँ पे अलग अलग मीटर लगे होते हैं और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ से। जो फैक्ट्रीज के अंदर बायो रिएक्टर होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, तो हम देख सकते हैं इसके अलग अलग कंट्रोलर सिस्टम होते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर सिस्टम है, मेन बर्तन ये होता है, इसके अंदर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं। तो ये रियल टाइप का, वो पीछे हमने डायग्रामेटिक पोर्शन देखा था, ये रियल टाइप का बायो रिएक्टर है। और इसका और एडवांस वर्जन है जिसमें हम बिल्कुल बाहर से देख सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल एक मीटर लगा होता है, जो स्क्रीन लगी होती है, जिसमें हम अलग अलग जो कंडीशन है उनको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग जो सिस्टम है वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो ये छोटे लेवल का बायोरिएक्टर है वैसे, और ये मतलब बड़े लेवल का बायोरिएक्टर है जो मतलब ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है।